हर हर गंगे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी हम हरिद्वार के शिव घाट पर खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है मूसलाधार बारिश हो रही है और अभी जो है दोपहर के 1 बज रहा है और लगातार दोस्तों हरिद्वार से जो है बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है और बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर विकराल रूप ले रही है बरसात। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी श्रद्धालु जो है ब्रिजों के नीचे से जो है बचे हुए हैं बारिश से, और इधर में देख सकते हैं जो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं ऐसे ही बारिश में, और यहाँ पर भी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो श्रद्धालु है यहाँ पर जो है पन्ने के नीचे जो है छिपे हुए बैठे हैं और जगह ही नहीं मिल रही है, मतलब काफ़ी जो है भीड़ है इधर में हरिद्वार में, जिससे जो है श्रद्धालु जो है बरसात से बच सके। तो और भी ज़्यादा जो है तेज़ जो है बारिश यहाँ पर हो चुकी है। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आप सभी को हर की पौड़ी से भी माँ गंगा मैया ताज़ा दर्शन कराएंगे और हरिद्वार के और भी जगहों से ताज़ा दृश्य आप सभी को दिखाएंगे। और सामने आप जो है मनसा देवी का मंदिर देख सकते हैं, आप सभी को जो है मनसा देवी का मंदिर नहीं दिखाई देगा क्योंकि वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा फॉग्स आ गया है। तो अभी दोस्तों आप जो है मार्केट का नज़ारा कुछ देख सकते हैं, मार्केट में कितना ज़्यादा जो है जलीकट्टा हो गया, सड़कों पर कितना ज़्यादा पानी बह रहा है इस समय, और उधर में देखो जो जेसीबी वगैरह है वो कचरा उठाने का काम कर रही है, उधर में काफ़ी जो है उधर में कचरा भी इकट्ठा हुआ हो। तो लगातार जो है बारिश हो रही है और लगभग जो है इधर में 1-1 फीट तक का पानी जो है मार्केट में आ गया है, और इधर में देखो कितना ज़्यादा जो है रेत यहाँ पर इकट्ठा हो गया, लगभग 1-1 फीट तक का यहाँ पर रेत जो है जम चुका था, लेकिन फिलहाल जो है सड़कों से इस तरीके से उठाया हुआ है तो साइडों से जब लगाया तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर रेत के जो है ढेर लग रहे हैं। और भी सामने आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर, और यहाँ पर भाई की लगता है स्कूटी जो है फंस गई है, निकल नहीं रही है, लेकिन वो कोशिश तो वो तेरी कर रहे हैं यहाँ से निकालने के लिए। तो अगर आप जो है मार्केट की ओर आओगे तो आपको कुछ ऐसा ना जो है नज़ारा देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो चलो आप सभी को मार्केट के और अंदर लेकर चलते हैं, वहाँ से दिखाएंगे कैसा जो है लाल मार्केट का नज़ारा है। और अभी जो है मेन चौराहे पर देखो कितना ज़्यादा जो है जली जल हो रहा है इधर में, और ये मेन मार्केट का नज़ारा है। यहाँ पर देख सकते हैं साइकिल तक मतलब यहाँ पर जो है फंस जा रही है, बच्चा है साइकिल लेके जा रहा है यहाँ से, और उधर में जेसीबी जो है कचरा वगैरह उठा रही है क्योंकि भाई वो मुख्य गंगा के रास्ते में है, वो पानी के बहाव से जो कचरा है ना मुख्य गंगा के अंदर जो है जा सकता है, तो इसलिए वहाँ पर जो है जेसीबी वगैरह मंगाई हुई है कचरा उठाने के लिए। और नज़ारा आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है जली जली इकट्ठा हो गया है मार्केट में, और मेन मार्केट का कुछ ऐसा नज़ारा है। और इधर में देखोगे मार्केट में तो यहाँ पर जो है काफ़ी कम जो है जल देखने को मिल रहा है क्योंकि दोस्तों ये जो एरिया है मतलब ढलान भरी एरिया है, यहाँ से जो जल है सीधा जो है बह के निकल जा रहा है, एक जगह कहीं भी इकट्ठा नहीं हो रहा है, ना ही यहाँ पर कोई गहराई है। और यहाँ पर अभी देख सकते हैं सुहास घाट पर जो है बरसात यहाँ पर हो रही है, तो उसी के चलते जो है यहाँ पर साफ़ सफाई का काम भी जो है जारी है। तो सुहास घाट आप देख सकते हैं लगभग खाली है, यहाँ पर लगातार बारिश की वजह से जो श्रद्धालु है कहीं ना कहीं आश्रय ले रहे हैं अपना बरसात से बचने का। और अभी आप दोस्तों जो है सुहास घाट से जो है मुख्य गंगा का कुछ नज़ारा देख सकते हैं, इधर में देखा जाए तो काफ़ी कम जो है हमें जल देखने को मिल रहा है क्योंकि दोस्तों जो यात्री हैं उसकी सेफ्टी को देखते हुए जो प्रशासन है उन्होंने जो है डैम के गेट काफ़ी कम खोले हुए थे, जिससे जो है इधर में जो काफ़ी कम जो है आपको जल देखने को मिल रहा है। तो आप यहां पर देख सकते हैं जो श्रद्धालु बीच में जाकर स्नान करने पर मजबूर हैं, और शिव घाट का नज़ारा आप देख सकते हैं काफ़ी कम श्रद्धालु हमें उधर में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, तो श्रद्धालु कहीं ना कहीं जो है आसरा लेकर वहां पर बैठे हुए हैं बरसात से बचे हुए हैं। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जल का स्तर है इधर में जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया है, सामने आप नाई घाट का नज़ारा देख सकते हैं, भागीरथी सेतु पुल है दोस्तों। और अभी दोस्तों आप जो है नाई घाट से माँ गंगा मैया ताज़ा दर्शन कर सकते हैं, और देखा जाए तो इधर में भी काफ़ी कम श्रद्धालु जो है देखने को मिल रहे हैं क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। तो इधर से मैं आपको दिखाऊं तो लगभग जो है घाट जो है खाली हो गए हैं, आप यहां पर देख सकते हैं
काफ़ी जो है श्रद्धालु यहाँ पर दिखाई देते हैं, लेकिन अभी फिलहाल बारिश की वजह से श्रद्धालु नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखो ऐसा लग रहा है कि कांवड़ यात्रा जो है ख़त्म ही हो गई है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। बारिश की वजह से श्रद्धालु जो है कहीं ना कहीं आसरा लेकर बैठे हुए हैं, जिस वजह से आप सभी को जो है घाट खाली लग रहे होंगे। और इधर में भी देखो जो जल का स्तर है काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। यहाँ पर भी जो ग्रिलों का पार है उस पार ही जो है जल देखने को मिल रहा है, और श्रद्धालु जो है उधर ही जो है स्नान करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर एक श्रद्धालु जो है स्नान कर रहे हैं, देख सकते हैं आप, और सामने का भी नज़ारा आप देख सकते हैं। धनुष ब्रिज पर भी काफ़ी कम श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। और अभी दोस्तों हम हर की पौड़ी के मुख्य घाटों की ओर आ चुके हैं। सामने ब्रह्मकुंड का मुख्य मंदिर है, जहाँ से आप माँ गंगा मैया ताज़ा दर्शन कर सकते हैं। और हर की पौड़ी मुख्य घाट अगर आप देखोगे तो लगभग खाली है। और इधर से आप अस्सीप्रभा घाट का भी नज़ारा देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आप माँ गंगा मैया ताज़ा दर्शन कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो बारिश हो रही है, लेकिन श्रद्धालु जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं अंदर स्नान करते हुए। और जल की गहराई की अगर बात करी जाए तो लगभग जो है 1.5 से 2 फीट यहाँ पर जल देखने को मिल रहा है। काफ़ी दूर दूर तक जो है श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, और ऊपर से आप जो है ब्रिज का भी नज़ारा देख सकते हैं। और अभी दोस्तों हम अस्सीप्रभा घाट ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ से जो है आप हर की पौड़ी का साफ नज़ारा देख सकते हैं, साथ ही माँ गंगा मैया ताज़ा दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये भोले अपनी कलश कांवड़ यात्रा लेकर जा रहे हैं, देख सकते हैं 3-3 भोले जो है अपनी कलश कांवड़ को लेकर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये भोले हैं सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ। और इधर में देख सकते हैं जो सड़कों पे है काफ़ी ज़्यादा जो है जल इकट्ठा हो गया है। इधर वाली आपको सड़क बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही होने की, और आगे भी बहुत ही ज़्यादा जो है जल इकट्ठा हो गया है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है जल इकट्ठा हो गया है। दोस्तों कल वाला अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो ये वाला जो रास्ता था प्रशासन ने बंद कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर लगभग 3 फीट से ज़्यादा पानी हो गया था। और जो ये दिल्ली वाले भोले हैं इनका रूट जो है चेंज कर दिया था, उधर से निकाला जा रहा था उनको, यहाँ से जो है रास्ता बंद कर दिया था। लेकिन अभी आप देखो लगभग 3 घंटे की बारिश में यहाँ पर काफ़ी जो है जली धर्म हो गया है। और इसी तरह से अगर रात भर यहाँ पर बारिश पड़ती रही तो हो सकता है कल भी जो है रास्ता जो है बंद कर दिया जा सकता है। जितने भोले हैं ये रुड़की वाले मार्ग पर जा रहे हैं, ये हर की पौड़ी का जो है रास्ता आता है। और यहाँ पर देख सकते हैं भोले की जो है बिक्की भी जो है फंस गई है यहाँ पर बाइक वगैरह। तब जाके जो है भोले की जो है बाइक निकल गई है। लेकिन यहाँ पर बाइक ख़राब होने का खतरा ज़्यादा है, क्योंकि सलंतर में जो है इधर में पानी वगैरह जो है भर जाता है, लगभग काफ़ी जो है गहराई में यहाँ पर जो है पानी है, और बारिश जो है रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है। और इसी तरह से अगर लगातार रही ना तो आज भी जो है ये वाला रूट जो है वो बंद हो सकता है। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो कल ये वाला जो मार्ग था वो बंद कर दिया गया था प्रशासन की ओर से, क्योंकि यहाँ पर लगभग 3 फीट तक का जो है पानी हो चुका था। और इधर में देखो इधर में तो बहुत ही ज़्यादा जो है गहराई है। तो चलिए अभी आप देख सकते हैं जो कांवड़िया काफ़ी कम हो चुके हैं इधर में, क्योंकि जो दूर दूर के कांवड़िया था हरियाणा दिल्ली के वो यहाँ से लगभग जो है जा चुके हैं। अब धोरे पास के ही जो है कांवड़ यात्री आप सभी को देखने मिलेंगे, जिनकी यात्रा जो है लगभग 1 या 2 दिन की होगी, क्योंकि जल वाला जो दिन है 15 तारीख वो आज से जो है 2 दिन बाद यहाँ पर आने वाला है। और अभी आप जो है यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा जल इकट्ठा है। पहले आप सभी को वहाँ से दिखाया था मैंने, और कल वाला जो वीडियो था हमने ऊपर ब्रिज पे से ही शू खड़े होकर जो है शूट करा था, क्योंकि नीचे आने के बिल्कुल हालात थे नहीं। लगभग 3 फीट तक का यहाँ पर जो है जल था, और रूट जो था बिल्कुल प्रशासन ने बंद कर दिया था। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा जल इकट्ठा हो गया। इधर में भी ये सड़कें जो है पूरी डूब गई है। बाइक वाले जो है भाई आराम से बिल्कुल भी निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि कांवड़िए भी यहाँ से जा रहे हैं, उनके ऊपर छींटे वगैरह जा सकते हैं। और अभी दोस्तों हम चंडीघाट की ओर खड़े हैं, और यहाँ पर अगर आप नदी में देखो तो जो नदी है लगभग जो है पूरी तरह से भर के चल रही है। यहाँ पर अगर आपने स्टार्टिंग में देखा होगा जब बरसात नहीं थी तो काफ़ी जो है यहाँ पर कम यहाँ पर जल देखने को मिलता था, लगभग इधर में ही जो गहराई वाले हिस्से हुआ करते थे वहीं पर हमें जल देखने को मिलता था। लेकिन अभी आप देखो तो पूरी नदी जो है भर के चल रही है यहाँ पर, और
जो लहरें हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उठ रही है, काफ़ी ज़्यादा तीव्र गति से जो है पानी यहाँ से निकल रहा है। और ऊपर जो है माँ चंडी देवी का मंदिर भी आप देख सकते हैं, काफ़ी वहाँ पर जो है फॉग छाया हुआ है। और ये बिजनौर वाला मार्ग है, यहाँ पर अगर आप देखो तो काफ़ी कम जो है कांवड़ यात्री हमें यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। और अभी दोस्तों अगर आप चंडीघाट की ओर से देखो तो यहाँ पर जो है काफ़ी जो है ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बारिश जो है अभी लगभग जो है थमी है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ठंड का जो माहौल है वो लगता है बन चुका है यहाँ पर। और नदी के अंदर भी आप जल स्तर देख सकते हैं, पूरी जो नदी है भरभरा के चल रही है। और बात करें दोस्तों कुछ ज़रूरी जानकारी की, तो मैं आप सभी को बता दूँ जो भोले भक्त बिजनौर वाले मार्ग से हरिद्वार के अंदर आ रहे हैं तो काफ़ी दूरी पर जो है पार्किंग का स्पेस बना हुआ है। इधर में जो है बड़े वाहन नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जितने काफ़ी जो है यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो पैदल ही अपना आ रहे हैं, काफ़ी दो दो किलोमीटर से जो है वो पैदल चलकर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल पर नए हो और डेली हरिद्वार से ऐसी वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल या क्वेश्चन है आप हमसे जो है कमेंट करके पता कर सकते हैं।